तो कीपर लोप ऑफ फर्स्ट से लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका सेट का एक डिसाइपल यहां पे था ना, वो तीसरे रैंक पे जा चुका है। तो सिस्टम आई मीन जो सेट है ना, सेट का लेवल आप कर सकते हो। ये भी कहते हो फाइनली भाई एक ही बच्चे की यहाँ पे कमी थी, एक बच्चे का हो गया, किसका वो आई डोंट नो, लेकिन जैसे जाऊंगा जैसे मालूम चलेगा ना उस बच्चे को अपन रिवॉर्ड देगा। चलो यार अपडेट कर दो, तो ये ना अपडेट पे क्लिक करता हो। जैसे अपडेट पे क्लिक करता है तो उसका जो मोस्ट सेट यहाँ पे था ना, मोस्ट सेट के आसमान के ऊपर है ना अजीब सा रिएक्शन होता है, काले काले बादल आने लग जाते। तो सेट में भाई 500 से ज्यादा डिसाइपल थे, एरे डिसाइपल, ऑफिशियल डिसाइपल नहीं थे, जो कि वहां पे झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन यही सब काम करते थे, जो हमने बहुत पहले देखे थे ना भाई, सबके सब अपने प्लेयर यहां पे थे। हाँ, तो वो सबको दिखाया जाता कि आसमान में बिजली बिजली आ रही है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है यार, बारी बारिश आएगी क्या, और बड़ा तेज बारिश लग रहा है यार, मेरे कपड़े सूखने को पास आ रहे थे वो खराब हो जाएगा। दूसरा कहता अभी बारिश, अभी तूफान आंधी लगता है, ऐसा लगता है आसमान से बिजली आएगा हम सबको मार डालेगा। ये लोग कहते नहीं यार ऐसा होता ना तो हमारे लीडर गाउची को उनकी बहन टों को मालूम चलता, वो बचाने के लिए आ जाते। बाकी सब लोग कहते शायद ऐसा हो सकता है, धोखा दे दिए होंगे, सेड को छोड़ के भाग गए होंगे डर के मारे। तो बाकी पब्लिक कहती है भाई तू पागल है क्या भाई, वो गाउचे यहाँ पर उनकी बैंड होंगे, वो किसी से डरेंगे क्या, नहीं डरेंगे। यानी सब लोग अपनी अपनी बातें करते रहते कि भाई क्या है और क्या यहाँ पे नहीं है। और तभी है ना ऐसे जोर से झटका यहाँ पे लगता है, जोर से मतलब बिजली का झटका नहीं, हवा समझो जोर से यहाँ पे चलती है, जिससे किसी का भी बैलेंस संभाल नहीं पाता। लड़कियों का जो स्कर्ट यहाँ पर है ना, स्कर्ट यहाँ पे उड़ने लग जाता है, लड़कियां भी चलती है अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं आज मैंने सलमान बॉय वाला अंडरवियर पहना है यार कोई देख लेगा। दूसरी कहती भाई मैंने तो पहना ही नहीं है, सोचो दूसरे क्या क्या देख लेंगे। और तभी लिख के रहता भाई बधाई हो आपका जो मोस्ट सेट है ना वो सातवें रैंक का सेट यहाँ पे बन चुका है। जब मानवा चालू हुआ था उस समय नौवें रैंक का था, फिर आठवें रैंक का हुआ था, और अब जाकर ना सातवें रैंक का हो चुका है। और ये जो पूरा कांड था ना बिजली वाला, खाली जो प्लेयर्स यहाँ पे थे प्लेयर्स ही नोटिस कर सकते हैं, जो पहले से अंदर थे ना भाई वो सब नोटिस नहीं कर सकते थे। तो ये सब का सिस्टम में नोटिफिकेशन भाई लेवल अप हो गया सेट का, तो आपको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, ये सभी खुश हो रहा। तो कहता है अरे यार हम ही फालतू में टेंशन ले रहे थे कि भाई बर्बादी होगा बिजली आएगा, ये तो बल्कि सेट का लेवल अप हो गया, यानी आगे चल के हमको ज्यादा काम करने का कोई टेंशन नहीं, अब तो एडवेंचर कर सकते हैं। तो ये लड़का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ये कहता रुको जरा सबर करो, इतनी खुश होने की इतनी जल्दी जरूरत नहीं है। ये लोग कहते क्यों यार खुश कहीं को ना हो, ये कहता खुश हो, ज्यादा खुश यहाँ पर मत हो, ज्यादा खुश मालूम है कब होने का, जब हर 3 साल पर ना मौका आता जहाँ पे 100 सेट के अंदर में जो भी 300 सेट आते ना तो उनको आके चेक किया जाता है उनकी कितनी औकात है, औकात के हिसाब से उनका पोजीशन यहाँ पे बढ़ाया जाता है। तो उस समय जब आएगा ना हम लोग अपनी औकात दिखाएंगे, जो पोजीशन सेट का बढ़ाकर ना टॉप 100 करने का लेंगे, जिसके बाद जो रिसोर्सेस है ना और रिसोर्सेस भी हाई लेवल का हमको मिलेगा। तो ये सभी कहते हैं यस आपने ठीक बोला, जियो या जियो। गाउचे का सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि बधाई हो आपका जो मोस्ट सेट है ना उसका लेवल अप हो गया, सातवें रैंक का सेट यहाँ पे बन चुका है, तो बदले में 10 लाख आपको पॉइंट मिलता है। ये भी सोचता 10 लाख पॉइंट इसका मैं क्या करूं, मैं जो स्वॉर्डमैनशिप है ना मुझे उसमें अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना है, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, पॉइंट यहाँ पे दाब के बस यस पे क्लिक कर देना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि क्वेन और जियांग यहीं पर है, अचानक से मैंने ऐसा किया और अचानक से पावर बढ़ेगी, इनको अजीब लगेगा ना कि भाई इतना अचानक से कैसे हो सकता है, इतना अचानक से तो किसी का नहीं हो सकता, इसलिए कि नाटक करता हूँ आराम से बढ़ जाता हूँ। कहते सुनो यार मुझे कमाल का इलाइटमेंट मिला है, तो मैं अगर अच्छे से उसका यूज करूंगा और अपना प्रैक्टिस करूंगा ना तो शायद मेरी पावर यहाँ पे बढ़ सकती है, तो वहीं पर बैठ जाता है। ये दोनों चौक जाती है, अचानक से इनको इलाइटमेंट मिल गया, हम सालों भाई मेहनत करते तो भी नहीं मिलता। इनलाइटमेंट यानी समझो भाई ज्ञान, नॉलेज, जिसका मैं यूज करना चाहता हूँ। क्वेन सोचते कि पिछले जो काम इन्होंने दिया था वो काम नहीं हो पाया था, जिस वजह से हल्के से गुस्से में थे, लेकिन ये जो छोटा सा काम है ना भाई इनके प्रोडक्शन करने का वो तो मैं कर सकती हूँ। अपनी जिया खुश थी कि इनको अचानक से ज्ञान मिला, पक्के जो फाइट इन्होंने लीडर के साथ किया था ना उसकी वजह से मिला होगा। मैं तो लीडर से बड़े गुस्से में थी, जाकर उसके साथ बदला लेती, उसके साथ मार कुटाई करती, लेकिन इससे मेरे बापू का फायदा हो गया, यानी अब कोई बदला नहीं लेना। हमारा गाउचे अभी तक यूज नहीं किया था, वो अभी भी सोच रहा है कि हाँ भी मुझे क्या क्या फायदा यहाँ पर होगा, ये मिलियन पॉइंट देने से ना मेरा जो स्वॉर्डमैनशिप का एक लेवल अप यहाँ पर होगा, जिसके बाद जो स्वॉर्ड एंटेंट है स्वॉर्ड एंटेंट मेरा चौथे से पांचवें लेवल पे चल जाएगा, जो स्वॉर्ड हटे वो भी चौथे से पांचवें लेवल पे चल जाएगा, ओवरऑल जो मेरी पावर है ना वो 10% यहाँ पे बढ़ेगी, इसके अलावा जो नॉर्मल अटैक की मेरी टेक्निक है ना वो भी यहाँ पे पांचवें लेवल पे चल जाएगा। तो ये सब जब एक एक लेवल अप होगा ना तब जाके जो सारा मेरा पावर मिलाकर है ना वो अभी से डबल एग्जैक्टली हो जाएगा, यानी अब भाई सही टाइम आ चुका है क्लिक करने के लिए। तो फाइनली यस पे यहाँ पे क्लिक करता है, जैसे यस पे क्लिक करता है और जो जो चीजें इसने बोली उस सारी के सारी चीजों का लेवल अप होने लग जाता है। तो क्वेन और गाउचे देख के, तो गाउचे नहीं भाई क्वेन और जियांग देख के और भी चौंक जाते कि हमको नहीं लगा था ज्ञान मिला तो इतना फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। जो सुप्रीम लीडर यहाँ पे थी ना दोस्त देखे जा रही है और कहती वाह यार ये गाउचे को मानना पड़ेगा, छोटा सा लड़ाई करके बेचारे का बहुत ही फायदा हो गया, देख रहे हो यार, और उसकी पावर यहाँ पे बढ़ रही है। बाकी सुप्रीम लीडर कहती है उस वाली से जो कि बोल रही थी कि हाँ लेकिन वो हमारे देश का नहीं है, वो दूसरे देश का यहाँ पे
बेटर है, तुम इतनी खुश काहे को हो रही हो, ये कहती है ना दूसरी देश का, लेकिन हमारे देश का, हमारे सेठ का ओ दामाद यार, ओ दामाद यहाँ पर है तो खुशी की तो बात है ना। आओ आते वापस अपने गाँव चूहे की ओर, जहाँ पे उसने अपना जो भी तबाह काम वो कर लिया था। इसके अलावा और दो चीज यहाँ पे था जिसका लेवल अप करना था, चौथे रैंक पे था उसको पांचवे पे करना था, और आई डोंट नो ये क्या है, नहीं समझ यहाँ पे आ रहा, और ट्रांसलेशन में भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। बस करना यार दोनों को करने के लिए दोनों 16-16 यानी 32 मिलियन मांग रहा था, इसका दिमाग का था 32। अबे सीखो यार उससे जिसको मैंने अभी अभी किया 1 मिलियन के अंदर यहाँ पर हो गया, तुम मुझसे 32, अभी भाई कंगाल हो जाऊंगा, इतना मेरे पास यहाँ पे नहीं है, ये सिस्टम तो हर माई के भाई। अरे क्या करूँ यार, कोई बात नहीं, जो मेरी 100 टेक्निक है मैं 100 टेक्निक पे ध्यान देता हूँ। तो दो 100 टेक्निक यहाँ पे थी, दोनों ना चौथे लेवल की थी, ये सोचता बाकी जो चीज यहाँ पे था दो जिसमें 16-16 मांग रहा था, यार कोई कूपन यहाँ पे मिलेगा ना, मैं कूपन की मदद से कर लूंगा ये दोनों भाई, एक एक दो दो मिलियन में हो जाएगा, तो ये दोनों को मैं कर लेता हूँ। तो ये दोनों वो करके ये लेवल 4 से लेवल 5 पे कर लेता है। इसको याद आता, मेन चीज तो मैं भूल गया, अरे सेठ का लेवल अप हो गया, लेवल अप होने पर ना रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है, तो चलो यार रिवॉर्ड यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मतलब रिवॉर्ड देखते क्या मिला है, रिवॉर्ड में सबसे पहले यहाँ पे मिला था भाई पॉइंट, ये 50 लाख या 50 मिलियन है, मैंने गिना नहीं था, आप चाहे तो गिन सकते हो। सेकंड रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था जो शॉर्ट्स क्वालिफिकेशन है ना, शॉर्ट क्वालिफिकेशन को यहाँ पे बढ़ा सकते हो उसका कूपन। और तीसरा रिवॉर्ड यहाँ पे था एक रैंडम सीक्रेट आइटम, अभी आइटम में कुछ भी नहीं कर सकता है, जिसको देख के अपना गाँव से खुश, और चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई ये जो तीसरा रैंडम आइटम है ना इसमें क्या निकलता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।